जी हम सबको। बोले महाकाल महाराज की, हमारे सभी बहनों की, नर्मदे छिपरे महारानी की। हम सबका सौभाग्य है कई जन्मों के होने के बाद हम सबका उज्जैन से संबंध आता है और उज्जैन में बाबा महाकाल भगवान गोपाल कृष्ण देवीश्वरों देवी देवताओं के पुण्य से यश से हमको अपना ये जीवन मिलता है और इस जीवन से उज्जैन से जो संबंध आता है इसको देवी देवता भी तरसते हैं कि काश हमारा उज्जैन में घर और हम एक रात यहाँ गुजार। प्रत्येक 12 साल में जो पुण्य आत्मा है जिन्हें घर परिवार संसार में अपने आप को सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया, इसलिए सभी साधु संत परमात्मा की इच्छा के आधार पर एकाकी जीवन जीते साधु मार्ग पे जाते हैं और वो भी अपनी साधना के पथ पे 12 साल में अगर उज्जैन के सुमस्त में नहीं आए तो उनका जीवन भी अधूरा माना जाता है, उनका जीवन भी। आप ऐसे सभी संत महंत महामंडलेश्वर शंकराचार्य सभी प्रकार के भगवान के ऐसे संत वृंद के समान उज्जैन वासी सबका हमारा अपना भाग्य है। हमारे हाथ में ना तो पैदा होना लिखा है, किसी के चाहने से कोई पैदा भी नहीं होता और किसी के चाहने से उसका शरीर भी नहीं छूटता, लेकिन मरने और जीने के क्रम में जन्म और मृत्यु के क्रम में अगर कोई है तो वो है कालों के काल महाकाल महाराज। इसलिए महाकाल महाराज की 84 लाख योनियों के बाद हमको ये मानव जन्म मिलता है और इस मानव जन्म मिलने में भी सबसे आखिरी योनि अगर है तो वो योनि है सर्प योनि। सर्प योनि घिसट घिसट के और तो और पूरे 12 माह जमीन पे भी नहीं रहते, ज्यादा ठंड हो तो ठंड बर्दाश्त नहीं होती, ज्यादा गर्मी हो तो जमीन में सर्प देवता चले जाते हैं और कान नहीं है हाथ नहीं है पांव नहीं है, घिसट घिसट के जिंदगी जीने के लिए मजबूर है, लेकिन एक एक दिन वो इस पृथ्वी पे काटते हैं तो कामना करते कि भगवान अगले जन्म में मनुष्य जन्म देना, ये वो अपनी कामना करते। इसलिए मनुष्य और सर्प देवता के बीच हमारी एक योनि का फर्क है, एक योनि का फर्क है। उस एक योनि के फर्क में जैसे हम मनुष्य बनते हैं, मनुष्य बनते हमारे दो रास्ते खुलते हैं, एक रास्ता देव मार्ग का अच्छे मार्ग का भगवान के पास जाने का और दूसरा मार्ग दानव बनने का, मानव से दानव बनना या देव से देवता बनना। देवता बनने का मतलब ही है जो सब कुछ देने के लिए अपने आप को भी अर्पित कर ले, वो देवता। बोले भंडारी क्या लेते हैं अपने से, कुछ लेते हैं क्या बेचारे, 24 घंटे गीले होते रहते हैं, वो आनंद से बाजी की आपकी वर्षा से आशीर्वाद जुटाते रहते हैं, आशीर्वाद जुटाते रहते। कुछ नहीं मिले तो आप कोई फूल पत्ते ही ले जाओ और दियो तो यही महाकाल महाराज कीजिए, इतना अच्छा भोला भाला देवता और ऐसे सभी देवताओं में कालों के काल महाकाल जिनके त्रिपुंड की एक एक धारिया हमारे तीनों जीवन में यश कीर्ति और वैभव की प्रतिष्ठा करती, जिनके नाम लेने मात्र से हमारे सारे बंधन छूट जाते, जिनका स्मरण मात्र से हम बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने में समर्थ हो जाते हैं। यही कारण है कालों के काल महाकाल की कृपा से महाकाल अपने भक्तों पे बहुत कृपा करते और बहनों ने जो कृपा मेरे
सांसद जी, विधायक जी, सबके लिए अभिनंदन कर दो। एक साथ समय की कमी है और सारे प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ आए हैं। अभी तक तो होली के समय पुलिस को लाइन ऑर्डर करना पड़ता था, इसका इंतजाम लगाना पड़ता था कि होली के होदंग नहीं हो जाए, दिवाली के फटाके में आग नहीं लग जाए। अरे ये होली दिवाली के काका जी, अगर रक्षाबंधन का त्योहार देखो तो सही आनंद आ गया है। पूरा शहर त्योहार में डूब गया, पूरा उज्जैन आनंद से। अरे हाथ कम पड़ गया, कोई बहन कहाँ तिलक लगा रही, कोई कहाँ तिलक लगा रही, ऐसा आनंद आ रहा है, ऐसा आनंद आ रहा है। पूरा महीना रक्षाबंधन का, हम तो आप ही से बताते थे, हम तो क्या मालूम आपकी राखी इतनी महंगी पड़ेगी। गले गले मोहल्ले मोहल्ले हम आपको राखी बजाते थे, हमको नहीं मालूम था कि ये हमारे साथ आपका बंधन हमको कहां ले जाके छोड़े जाएगा। एक महीने में उज्जैन आया हूं, जब भी रात को सोता हूं तो उज्जैन की याद आती है, उज्जैन तरफ मुंह करता हूं, महाकाल महाराज की जय करके भारत माता की जय कर लेता हूं। इतना प्यारा उज्जैन, इतना आनंददायी उज्जैन। लेकिन आपने सबने जो आशीर्वाद दिया, मैं जानता हूं एक एक बहन के आशीर्वाद के भरोसे से आज सबसे बड़ी जवाबदारी मिली है। लेकिन बहनों, आपका आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा, पूरा प्रदेश की अपेक्षा पे आपके माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से लगातार सरकार काम करेगी। उज्जैन, इंदौर, पचपन ही जिले और देश के अंदर सारे प्रदेशों में आपके आशीर्वाद से मध्य प्रदेश को नंबर एक का राज्य बनाएंगे, नंबर एक का राज्य बनाएंगे। इसलिए मौका आया और त्योहार मनाने लगे। अब ये अलग बात है, संक्रांत में आपके साथ की संक्रांत मनाते कि नहीं मनाते थे पहले? किस किस को चूड़ी देता था, चूड़ी भेंट, जरा हाथ खड़ा करो जिनको चूड़ियां देते थे। अब मैं प्रदेश में बना, पहली बार उनसे कहा संक्रांत मनाओ तो कैसे मनेंगे? हमने कहा हमारी बहनों के साथ तो हर साल मनाते हैं, नारी सशक्तिकरण का आनंद आता है और ये हमारे अपने धर्म की विशेषता भी है। संक्रांत केवल संक्रांत नहीं है, जीवन के कष्टों को तिल तिल करके कम करते हुए अपने जीवन में भगवान का, सूर्यनारायण का जैसे उजाला बढ़ता जाता है, दिन बढ़ता जाता है, रात कम होती जाती है, उस आनंद में डूबने का मतलब संक्रांति है। संक्रांति जिसमें बहने सुहाग का सामान लेकर के आसपास में सबकी मंगल की कामना करती है, अपने सुहाग की तो रक्षा करती करती है। कोई सात, कोई बारह, कोई बीस, कोई पचास, जिससे जिसकी सोई है सबकी सुहाग की चिंता करती है। अरे दुनिया में कोई ऐसा त्योहार मिलेगा और ऐसे लोग मिलेंगे क्या? अपने सुहाग की लोग लाले नहीं पड़ते अमेरिका में, एक बार शादी होती माता ने, अगली बार में वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता ही नहीं चलता, दूसरा ही आते। वहां ये विवाह का बंधन नहीं है। हमारे सात फेरों का जो पवित्र त्योहार, 16 संस्कार में सबसे बड़ा संस्कार विवाह संस्कार, और जीवन में भी अपने जीने का सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में जो जवाबदारियां होती है, जो उत्तरदायित्व होता है, जो सबको लेके चलने का भाव होता है, इसको परिवार परंपरा कहते हैं। और परिवार परंपरा कुटुंब से, कुल से पहचानी जाती है। दुनिया में और कोई संस्कृति ऐसी नहीं है, एकमात्र सनातन संस्कृति यह है कि तीन भाई है, एक कमाला है, दो कमाए या ना कमाए, माँ बाप सबको प्यार से खिला पिला करके परिवार का आनंद महसूस करते, ये कुटुंब परंपरा हमारी। इस संस्कृति के कारण से सदैव से हमारी सनातन संस्कृति अपनी अलग अवस्था पहचानी जाती। और मेरे लिए आज तो आनंद और बढ़ गया, उमड़ते घुमड़ते मौसम में भी बहनों के स्नेह के बलबूते पर रक्षाबंधन उम्मीद तो थी कि सबसे अलग अलग बन जाऊंगा, लेकिन अब इतनी बहने हो गई मेरे अपने प्रदेश में। लाडली बहनों की संख्या तो गिनो, 1,29,00,000
लाली गहना पर 2500 रुपए डाले, 2500 रुपए। और प्रदेश के मुखिया के नाते से 9 करोड़ की आबादी में 4.5 करोड़ माता बहने हैं, 4.5 करोड़ किसको कहते, 4.5 करोड़। एक के बाद एक लाइन लगाओ तो कश्मीर से कन्याकुमारी कम पड़ जाए, इतनी लंबी लाइन लग जाएगी। लेकिन मुझे मालूम है आवाकी तो धागे का बंधन है, लेकिन ये आंखों से आपका प्रेम जो टपकता है आशीर्वाद की छाया के रूप में, ये जीवन भर मिलता रहे इसकी इच्छा आकांक्षा है, इससे मैं भर जाता। मन की भावनाओं से ये मिट्टी की माता है वसुंधरा, इसको अगर अपन निकाल के प्लास्टिक की थैली में बंद कर दो और फिर इसमें कोई बीज डालो, वो बीज उगने वाला नहीं, क्योंकि भावना से वसुंधरा का भी जीवन होता है, वो भी अपना जीवन छोड़ देती है, जल की भी मृत्यु हो जाती है। ये सनातन संस्कृति की विशेषता है। तो ये तो प्रेम का बंधन है, आपके हमारे भाव से चलने वाला है। जब आपने बड़ी जगह पहुंचाया तो थोड़ा आपको भी अंतर करना पड़ा, मुझे भी खराब लगता है, इतने सारे पुलिस वाले घेरते, मेरे भाई इधर आते हैं तो इधर धक्का देते, बहन उधर जाती है वो उधर धक्का खाती है, अब मैंने और वोट दो मेरे को, आप ही ने तो दिया। लेकिन हमको मालूम है कि ये आपने यहाँ हमको आशीर्वाद भी दिया और अपना मन भी इकट्ठा किया, आपके अपने सबके उदाहरण है हजारों हजार। भगवान अगर गोकुल वृंदावन में हो जाते तो परमात्मा का बाकी रूप कौन देखता, कहाँ की द्वारका ने कहाँ की मथुरा और क्या क्या होता। तो ये भगवान ने हमको सिखाया कि नहीं सिखाया, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की, ये हमारी संस्कृति की विशेषता है। भगवान राम ने कदम बढ़ाया तो दुनिया के अंदर राम राज्य आया, भगवान कृष्ण ने कदम बढ़ाया तो भगवान कृष्ण का काल 5000 साल बाद भी बच्चे बच्चे को स्मरण है। हमारी संस्कृति है कि हम सब एक दूसरे के प्रेम के भूखे हैं, भगवान हमारा ये प्रेम जीवन भर बनाए रखे। ये बहनों ने जो राखी बांधी, मान के चलो आप ताली बजाओ कि आपकी सबकी बंध गई, ये मान के चलता हूँ, और ये मान के चलता हूँ कि अब जो बच्ची है बहन में झूला झूलूंगा तो आपके जीवन में भी आनंद के झूले झूलते रहो, ये एहसास करो आप भी अपने आप में। और आज लंबा भाषण नहीं दूंगा, मुझे और भी जगह जाना, लेकिन हमारे लिए आप सबका प्रेम जीवन भर बना रहेगा, आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। कल महाकाल महाराज की सवारी है, अभी सवारी में रोज मजा आ रहा है, अलग अलग प्रकार से निकल रही है। लोग कह रहे हैं कि सवारी को क्या हो गया, तो हम तो पहले निकालते थे खाली शाही सवारी, हमने कहा शाही सवारी एक क्यों होना चाहिए, हर सवारी शाही सवारी, हर सवारी का आनंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अरे बाबा महाकाल के धाम में मुस्कुराहट की होगी, आनंद की होगा तो कहाँ होगा। और अब जब आप बाबा महाकाल के लिए मौका दिया तो महाकाल की जयकारों में तो अपने आप ही हो जाएगी, सबकी होगी कि नहीं होगी। तो बाबा का आशीर्वाद बढ़ा रहे, कल धूमधाम से मैं सवारी में भी रहने वाला हूँ, और सवारी के बाद जन्माष्टमी आएगी। याद रखना अभी 55 जिले में हमने पुलिस बैंड दिया, 55 जिले में धूमधाम से, सरकारी त्योहार भी अच्छे से मनना चाहिए, क्या 26 जनवरी क्या 15 अगस्त, धीरे धीरे करके पुलिस वाले रिटायर हो गए। तो हमारे यहाँ बाबा महाकाल की सवारी में एक दो गिटार बजाने वाले बच्चे बचे ही नहीं थे, हमने कहा ऐसा नहीं होगा, बाबा के सम्मान में सब तो सब पूरे प्रदेश में धूमधाम से बैंड बजना चाहिए, बजना चाहिए क्या पूरे प्रदेश, तो 55 जिले में आनंद से बन रहा है। तो हमने कहा ये एक बार नहीं रुकना चाहिए, हमने गंगा दशमी भी मनाई तो गंगा दशमी में भी धूमधाम से पुलिस बैंड का आनंद लिया, 15 अगस्त का आनंद भी आया, महाकाल की हर सवारी में पूरे प्रदेश के सारे बैंड एक साथ बजने आए, चले नहीं भी इतने बैंड वाले पहली बार देखे, इतने सारे बैंड वाले तो देखे क्या पहले, लेकिन ये भावना थी। उम्मीद करते आने वाले जन्माष्टमी सहित सारे त्योहार कितने आनंद में मनेंगे, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, महाकाल महाराज की, आप सबका आशीर्वाद। ये मान के चलो वहीं से मेरे पर राखी बन गए कि नहीं बन गए, ताली वाली बजा के बताना, ये आपका आशीर्वाद मिल गया। लेकिन आप चिंता मत करना।
संस्कार भाव से नहीं बनेगा। ये आपका गिफ्ट भी लाया हूं, खाली हाथ नहीं आया हूं। एक एक बहन को गिफ्ट मिलेगा। और जो हमेशा की तरह परंपरा है वो सारी परंपरा कायम रहेगी। उज्जैन में रहे या भोपाल में रहे, भाई बहन तो सदैव देना चाहिए, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मेरी अपनी ओर से आप सबको प्रणाम, झूला झूलूंगा, फला लूंगा। आप आराम से जाना, जल्दी मत करना, उठ के भागना मत। ये बहनों से राखी ले आना जिनके हाथ में जरूर देना। आप सभी की बहनों के भाइयों के लिए एक बार जोरदार तालियां। ये झूला आप सभी बहनों के लिए है। आप सभी माता शक्तियों से निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी का रक्षा सूत्र स्वीकार कर रहे हैं और ये झूला झूलाकर यहाँ रक्षाबंधन पर्व को आगे बढ़ा रहे हैं। मगर सभी माता और बहनों से निवेदन है कि आप सभी अपने स्थान पर ही बैठी रहेंगी, क्योंकि आप सभी के लिए जो तोहफा वो लाए हैं वो आप सभी को आपके स्थान पर ही मिलेगा। इसीलिए मेरे माता और बहनों से निवेदन है, फिर भी अपने स्थान पर ही बैठी रहे, अपना स्थान न छोड़।